नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा, आपका हम सफ़र ज़्यादा नहीं हो गया हम सफ़र साइफ में चलने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आपका दोस्त हीरा योगी। पहचान तो गए होंगे, जान तो गए होंगे, हा, मैं हूं हीरा योगी। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग मुस्कुराते हैं ईश्वर उस पर मेहरबान होता है, ईश्वर की सारी कृपाएँ उस पर बरसती हैं। टॉपिक है मेरा आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मुझे नींद नहीं आ रही है। आजकल लोगों को कहते सुना है आपने, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, कभी जानने की कोशिश की है? तो आज मैं बताऊंगा आपको नींद ना आने के कारण, उनके निवारण, और आपको आ जाएगी अच्छी सी प्यारी सी नींद जब आप सो सकोगे अपने चाहने वाले के कंधे पर, बच्चा अपनी माँ की गोदी में, और अकेला आदमी तो थकिए पे सोएगा ठीक है, ख्यालों में सोएगा। नींद नहीं आ रही तो ख्याल भी नहीं आते आजकल। दोस्तों ये टॉपिक बड़ा गंभीर है, मजाके तो चलती रहती हैं, बट कुछ चीज़ें वो मजाक के लिहाज से समझ आ जाएं तो इससे अच्छी बात क्या होती है। तो आज का जो टॉपिक है नींद ना आना, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि मुझे इंसोमनिया हो गया है, मुझे एंजाइटी हो गई है, और मुझे डिप्रेशन हो गया है सब कहने की बातें हैं, सब बेवकूफ़ी का पन है, उन्हें कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। कारण कहाँ है, निवारण कहाँ ढूंढता है? डॉक्टर के पास जाके, बीमारी यहाँ है, डॉक्टर वहाँ है, यहाँ और वहाँ का डिस्टेंस देखिए कितना है। बस भाई साहब, कारण यही तो निवारण भी यही है। नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? पहला कारण ये दिमाग है ना भेजा, इसमें कूड़ा भर रखा है आप लोगों ने। जब हज़ारों की तादाद में इसमें कूड़ा भर के रखोगे, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आप भर के रखोगे अबाड़ कबाड़ विचार, तो नींद कैसे आएगी? डरावने सपने ही आने वाले हैं। दूसरा, खाना आप लोगों का टाइम पे नहीं होता, लेट नाइट डिनर्स, पार्टीज, और कहते हैं सर प्लीज़ जाना पड़ेगा उसमें। और बताओ नींद ना आने का कारण, लेबल है 10 किलो उठाने का, उठाते हो 100 किलो इस दिमाग पर, विचार दो बातों को सोचने के लिए आने चाहिए, 100 और 1000 बातें सोचते हो बेकार की, तो नींद ही नहीं तो आएगी और क्या होगा। और जो लड़के लड़की हैं, ओ भाई पहले प्यार वालों, आपके लिए बड़ा स्पेशल, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, भूल जाओ, ये सब माया है, थोड़े टाइम के लिए जकड़ती है, जब होश आता है तो फिर सब ठीक हो जाता है। मैं भी उसमें जकड़ा हुआ था कभी ठीक है। तो नींद ना आने का कारण कि अत्यधिक ज़्यादा जो दिमाग पर आप, जो उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा आप इस पर प्रेशर दे देते हो ना, तो नींद गायब हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं नींद ना आने के। सोचना तो एक सबसे बड़ा कारण है, ज़्यादा खाना इसका एक कारण है, तीसरा कारण है शरीर का व्यायाम नहीं होना इसलिए नींद आती है, बॉडी का स्टिफनेस हो जाना, बॉडी इनएक्टिव रहती है तो बॉडी में काम करने की मशीनें बंद कर देती है, दिमाग का न्यूरॉन्स काम नहीं करता है तो नींद नहीं आती है। देखो अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप सच में चाहते हो नींद आए, अगर दिल से चाहते हो, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 101% नींद आएगी ही आएगी। बस मेरा ये 20 दिन का कोर्स कर लो आप, मैं जो आप बताने वाला हूँ, तब भी ना समझ आए मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लेना और मुझे कॉल कर देना, मैं सिखा दूँगा और आपको 200% नींद आ जाएगी, आपको इंसोमनिया से मुक्ति दिला दूंगा, आपको एंजाइटी से मुक्ति दिला दूंगा, आपको डिप्रेशन से मुक्ति दिला दूंगा 101% ठीक है। कुछ पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका स्वास्थ्य चाहिए, उसे अपने पास ही रखना, मुझे आपकी मुस्कुराहट चाहिए बस, आपका प्यार चाहिए मुझे बस, और जो प्यार चाहिए लेकिन वो खुद के लिए कायम कैसे करें, तो पहले एक काम करना है, तैयार है 20 दिन के कोर्स के लिए? छोटी सी टिप्स देता हूँ अभी, सुबह सुबह उठते ही
बड़ा प्यारा काम करना है। प्रभु को 5 एफर्मेशन देनी है। हे प्रभु, आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे मनुष्य बनाया, पहली एफर्मेशन। दूसरी एफर्मेशन, हे प्रभु मेरा आज का दिन बहुत मंगल जाए, बहुत शुभकारी जाए। तीसरा, प्रभु जैसा व्यवहार मैं अपने प्रति चाहता हूँ ऐसा व्यवहार मैं दूसरों के प्रति करूँ, सबके प्रति करूँ। तीसरा हो गया। चौथा अफर्मेशन, हे प्रभु मेरा आज का दिन स्वस्थ रहे। पांचवा, हे प्रभु आज मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। ये 5 अफर्मेशन करना, उसके बाद अपने हाथों पे लेना 5 बूंद बादाम रोगम, और ऐसे और बिहारी बाबू होते हैं ना, यूपी वाले होते हैं ना, राजस्थान वाले होते हैं ना, तम्बाकू ऐसे ऐसे करते हैं, तो बादाम रोगम समझना आप तम्बाकू है आपका, उसको ऐसे 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 रगड़ना जब तक ख़त्म ना हो जाए। ये सारी फिंगर्स ये देख रहे हो ना, नहीं समझ आ रहा तो समझ लो, ये सारी फिंगर्स ऐसे ऐसे मसाज करनी है, तो देखना उस दिन नींद कितनी अच्छी आने वाली है। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, खाना कम से कम खाना। खाने में ये याद रखना, पैकेट बंद खाना मत खाना अगर नींद नहीं आ रही है तो। नींद की गोली, बीपी की गोली, थायराइड की गोली, इतनी सारी गोलियाँ हैं ना, उनको भी तो हटवाना है ना आप लोगों से। उसके लिए काम क्या करना है, सुबह सुबह टाइम मिले तो पार्क चले जाना, और वो रबड़ की चप्पल है ना, जूते, उन्हें उतार के घास पे चल लेना। पता सब है, करने वाले नहीं हो आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, बट एक आशा है 1000 लोगों के पास वीडियो जाएगी 10 लोग तो कर ही लेंगे जिनको ठीक होना है, वरना सब तो डिपेंडेंट है डॉक्टरों पे। डॉक्टर गोली देगा, नींद वो नकली नींद है। तो ये काम करना 11-12 बजे के आसपास में, हल्का सा दही खा लेना, दही नहीं खाते तो अच्छा सैलेड्स वगैरह खाना, अपना लंच अच्छे से करना। फिर शाम के टाइम में अब काम चालू हो गया नींद आने के लिए, जो मेन टॉपिक बताने वाला हूँ शाम के टाइम। और इन 20 दिन के अंदर प्योर वेजिटेरियन रहना है आप लोगों को, तला बुला खाना छोड़ना पड़ेगा, पकौड़े छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, शाम के टाइम होते ही आपको सिर्फ एक घर का कोना पकड़ लेना है, पार्क का कोना पकड़ लेना है, ऑफिस का कोना पकड़ लेना है, और 10 मिनट डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा लेना। और वहाँ पे करना क्या है आपको, आंखें बंद, हाथ ध्यान मुद्रा, ऐसे करके कमर गर्दन सीधी, और एक आधे लोग तो सांस लेने में भी कंजूसी करते हो आप लोग, तो सांस ले लेना लंबी सी, ये नकली वाली नहीं लेनी, असली वाली लेनी है। डीप एक्सहेल, पहले 10 दिन 30 सांसों का अभ्यास करोगे, कुछ लोगों का तो दिमाग में खलबली मच जाएगी, जैसे भूकंप आ गया, सर दर्द हो गया, बम फट गया यहीं पर ही। अरे भाई इनएक्टिव हो रखा है आपका दिमाग, और जो चीज़ इनएक्टिव है उसको एक्टिव करने में टाइम तो लगता है। टॉयलेट साफ करते हो ना, शिट कर कर आ जाते हो, निशान पड़ जाते हैं, तो हार्टबीट आता है, उसे लगा के छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए, फिर उसको रगड़ते हो तब जाके चमकता है। ये दिमाग भी वही बना रखा आपने, पोर्ट, इसमें कूड़ा तो भर लिया, कबाड़ तो भर लिया, उसे साफ़ कौन करेगा, शरीर तो पानी से धो लेते हो, इसको कौन साफ़ करेगा। और यही कारण है नींद आपको अच्छी दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या काम है, 10 मिनट कोना पकड़ लिया था, कमर गर्दन सीधी थी, आँखें बंद थी, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, ले ली। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, वापस अपने घर पहुंच जाओ। रात को सोने के टाइम पे अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम तो सबको ही आता होगा, एक नाक से लो, दूसरी से छोड़ो, दूसरी जिससे छोड़ी थी उससे लो, फिर दूसरी से छोड़ो। अभी आपको ये नहीं बताने वाला ईड़ा नाड़ी क्या होती है, पिंगला नाड़ी क्या होती है, चंद्र नाड़ी क्या होती है, सूर्य नाड़ी क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, आरोहण क्या होता है, अवरोहण क्या होता है, ये सब सांस से रिलेटेड हैं। पूरा क्रेचा के नाम है तरह तरह के, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ सिंपल शब्दों में, सिंपल लोगों तक सिंपल बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई श्वास ली, श्वास छोड़ी, पहले ये क्रिया करो, 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करो, और उसके बाद सिर्फ 3 मिनट ब्राह्मरी प्राणायाम। अब लोगों को तो यही नहीं पता ब्राह्मरी प्राणायाम क्या होती है, आँखें बंद और ये कान के टुंडियाँ सी बाहर निकल रही हैं, इनको बंद और आवाज़ निकालनी बवरे की तरह, ब्राह्मरी तभी नाम पड़ा। इसमें मुंह का कुछ यूज नहीं है,
नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। आधे लोग ना ऐसे करते हैं, डंगर की तरह बहस करती है ना, ना ना ऐसे नहीं करना। सुन लो दोबारा से, आँख कान बंद करके, फिर कहना नींद ना आए तो मैंने कहना। और एक और बात, मेरे पास एक दवाई है, मुझे फ़ोन कर देना, आपके घर तक वो दवाई पहुँचा दूँगा। वो 10 दिन भी आप डालोगे ना, नींद इतनी प्यारी आएगी आपको, आपको साइनस का डिसऑर्डर नहीं होने वाला, 101% गारंटी है। मेरा काम ही ये है आप लोगों को स्वस्थ रखना। भगवान ने मुझे बना के तो भेज दिया और भगवान ने पर्पस दे दिया मुझे एक। आप लोगों का तो पर्पस हो या ना हो आई डोंट नो, बट मेरा पर्पस है आप लोगों को खुश रखना, आप लोगों को स्वस्थ रखना। अस्वस्थ आदमी शरीर से नहीं होता, मन से भी होता है, दिमाग से भी होता है। तो मैं तो ये करके जाऊँगा क्योंकि भगवान का आदेश है ना, दिव्यता का आदेश है, ऊर्जा का आदेश है कि भैया सबके लिए कार्य करना है, उससे पहले अपने लिए भी करना है। तो मैं उस कार्य पे लगा रहूँगा। हीरा योगी आज है, आगे और बढ़िया होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये नींद के लिए काम करने हैं आपको, और आप देखना आपको नींद आने लग जाएगी। और थोड़ा सा और एक काम है, ये जो हाथ हैं ये सारा हिस्सा दबाया करो ऐसे 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 करके पूरा, जैसे बादाम रोगम लगाए थे, सुबह लगाया था ना, शाम को भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को सोने से पहले आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। सेम ऐसा पैरों के तलवों में भी कर सकते हो, नींद आ जाएगी आपको। कोई महंगा काम थोड़ी है, डॉक्टर के पास जाते हो, उसको 800 1500 2000 फीस देते हो, वो गोलियां लिखता है फिर गोलियां खरीद के लाते हो। यहाँ फ्री में चीज़ बताई है और फ्री में 101% इलाज, तो इससे बढ़िया कुछ है क्या? इससे बढ़िया कुछ नहीं है, समझे भारत के समझदार लोगों, समझदार जनता, प्लीज़ कर लो ये काम। और मेरी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। प्रणाम हीरा योगी का। ऐसे मुस्कुराते रहिए मेरी तरह, खुश रहिए और सबसे प्रेम कीजिए। देखो दोस्तों, गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती है, मुझसे भी हुई होंगी। और मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया, वो सबको मेरा हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, दंडवा